मेरठ नगर निगम की खुली पोल। आज मेरठ महानगर के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी कूड़े के ढेर पर बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और सभी अधिकारियों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। हिंदुओं के त्यौहार पर उनको ही सफाई व्यवस्था नहीं की जाती है। मेरठ नगर निगम आयुक्त ने अपना फोन पर कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसा ही उप नगर आयुक्त ने अपना फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नगर स्वास्थ्य अधिकारी बी मोहन हुए, लेकिन मेरठ की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है कि एक समुदाय के लिए सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाती है और हिंदुओं की सफाई व्यवस्था के नाम पर सारे अधिकारी मूक दर्शक बन जाते हैं। आंखों पर काली पट्टी और कानों में रुई देकर अपने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। मेरठ मंडल ब्यूरो बीके गुप्ता की खास रिपोर्ट। शासन की सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी बात ज्योति से हो रही है, कृपया अपना नाम बताएं। मेरा नाम बीके गुप्ता है। जी सर, नाम बताने के लिए धन्यवाद। आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ सर? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। जी सर, जैसा कि कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार का दिन है, कल मेरठ जिला पूरा गंदगी से अटा पड़ा है और नगर निगम जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कूड़ा नहीं उठा रहा है। क्या सर, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के टाइम में गंदगी भरे अटे त्योहार में क्या गंदगी के बीच में सर, हम आपके आपकी समस्या समझ पा रहे हैं सर। आप साफ सफाई कराना चाह रहे हैं? जी जी जी। ग्रामीण? जी सर, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, शहरी क्षेत्र। लेकिन सर कितने दिनों से समस्या आ रही है बता दीजिए। ये पिछले मैं तो ये मानता हूँ कि क्या नाम है, रक्षाबंधन ऐसी बन जा है, है और क्या नाम है, ईद पे जरूर सफाई हुई है, है बाकी हिंदू त्योहारों पर सफाई नहीं हो रही है। सर कुछ तो बता दीजिए, कितने माह से नहीं हुई, कितने हफ्ते से नहीं हुई? करीब एक महीने से। एक महीने से मेरठ की जनता का निकलना दुश्वार हो रहा है। जी सर, सीएम हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर आपका। अपने और कॉल को समाप्त करें सर। जहाँ बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं सरकार के माध्यम से कि प्रार्थी को हर तरह से न्याय दिलाया जाएगा, प्रार्थी की हर समस्या सुनी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा मामला सामने आ रहा है जहाँ पर प्रार्थी बार बार कॉल कर प्रार्थना कर रहा है कि मेरठ में इतनी गंदगी है, लेकिन वहाँ पर कभी अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन ये दिया जा रहा है कि दो चार दिनों में सफाई करवा दी जाएगी। अगर आज जन्माष्टमी है तो उसकी सफाई चार दिन बाद होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मेरठ से बीके गुप्ता बात कर रहा था। जी सर बताएं, किस प्रकार मैं आपकी सहायता कर सकते हैं? कल सफाई व्यवस्था को लेकर एक कंप्लेंट कराई गई थी मेरे नाम से ही। जी जी, जानकारी लेना चाह रहे हैं सर। जी सर, लाइन पे बने रहिए। जी सर, 1/9 को आपने, 1/9/2018 को आपने सीएम लाइन में संपर्क करके सर नगर विकास नगर निगम की सर, जी नगर उन्मूलन में साफ सफाई के संबंध में सर शिकायत दर्ज करवाई सर। क्षमा चाहेंगे, ऐसी सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है सर। अगर आपको सर इस संदर्भ में समस्या आ रही है तो सर जनता दरबार लगता है सर, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं सर। इस संदर्भ में लखनऊ जनता दरबार में संपर्क करूँ आके? जी सर। चलिए, आप अपना शुभ नाम बता दीजिए, मैं लेटर भी बना देता हूँ। आज जनता दरबार में आऊँ जन्माष्टमी के दिन, अगर मैं समस्या बता रहा हूँ तो आप जो है अभी मैं लखनऊ निकल लूँ और जनता दरबार में कल तक पहुँचूँ और इंतजार करूँ। सर आपको बहुत अच्छा सुझाव है मैडम, जो आपने सर 1/9/2018 को शिकायत, आप अपना नाम बताइए, मैं आपके नाम से कंप्लेंट घेरता हूँ। सर आप निश्चिंत रहें, आपके कार्यालय आप लोग नहीं, आप लोग ही मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग ही मुख्यमंत्री को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। हेलो सर। जी सर बताएं सर, आप लोग ही मुख्यमंत्री को ये चीजें कहकर बदनाम कर रहे हैं। सर आपकी जानकारी पहुंचे, कृपया अपने से कॉल को समाप्त करें। सीएम हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए सर धन्यवाद।